हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुँचती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज है 26 फरवरी 2024, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे 26 फरवरी 2024 के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है, हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 फरवरी, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 24 फरवरी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 फरवरी इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 फरवरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड। हाल ही में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन फोर्थ, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी एक का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए DU, ऑप्शन बी BHU, ऑप्शन सी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, साथ ही वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। क्वेश्चन फिफ्थ, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गर्जियन का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं इनको देख लेते हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। अगला है, जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। अगला है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। अगला है, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। इसके बाद है, जापान के याकोहामा में डॉसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अगला है, 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। और अगला है, भारत जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। और आखिरी फैक्ट है, भारत ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन सिक्स, इसमें कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? ऑप्शन ए द्वारका, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारका इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7। हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 8। हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 8 साल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें और वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे, और वीडियो लाइक करते चलें जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। क्वेश्चन 9। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ फैक्ट दिए हैं इनको देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ है जो मेघालय में है। अगला है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। और लास्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 10। हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नासिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल इज़ द राइट आंसर। तो भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ पर कुल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11। हाल ही में कुमार साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए डायरेक्टर, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी चित्रकार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकार इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 13। हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने
किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिका महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिका महासागर इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर भी करते चलें जिससे कि और लोगों को सपोर्ट मिलता रहे। क्वेश्चन 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? ऑप्शन ए नियम 7, ऑप्शन बी नियम 5, ऑप्शन सी नियम 6, या फिर ऑप्शन डी नियम, सॉरी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नियम 7। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो होगी अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।